रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रूस को अलग थलग करना असंभव है। आपको बता दें कि पुतिन ने बुधवार को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने कहा कि हमने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत नहीं की थी, हम तो इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने दलील दी कि उन्होंने यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की रक्षा के लिए अपनी सेना वहां भेजी। उन्होंने कहा कि हमारे कदम डोनबास क्षेत्र में रह रहे लोगों की मदद के लिए रहे हैं, यह हमारा कर्तव्य है और हम आखिर तक इसे निभाएंगे। पुतिन ने बुधवार को यह भी कहा कि मॉस्को अपने मकसद को हासिल करने तक यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। पुतिन ने यूक्रेन का साथ दे रहे पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस ने पश्चिम की आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी आक्रामकता का सामना किया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हमने कुछ भी नहीं गंवाया और हम कुछ गंवाएंगे भी नहीं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी संप्रभुता का मजबूत होना। जो चल रहा है यह उसका एक जरूरी नतीजा है। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से यूरोप के लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, जबकि गरीब देशों के लोग खाने की पहुंच से दूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर देता रहा है और वह संघर्ष को खत्म करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी का वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था पर बड़े स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि खाद्यान्न, खाद और ईंधन की कमी विकासशील देशों के लिए चिंता का प्रमुख विषय है।